आपसे सेंटर ये बैठ लेके इधर सामने यहां पे तुम बैठ करना है। अरे थोड़ा पीछे होके करो ना आप लोग। बैठ करना है। ये जब से मुझे पता चला है अली ये पिक्चर कर रहा था तब से मेरे को लग रहा है मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जिस को स्टार को आप जानते हो इतने टाइम से, उसको इतना बड़ा मौका मिले हॉलीवुड के अंदर टू डू अ टाइटल रोल। मतलब कि लोगों को मतलब पूरी ज़िंदगी लग जाती है, टाइटल रोल नहीं मिल पाता, एंड ही गॉट इट इन हॉलीवुड। लाइक मैं तो तब से इतनी एक्साइटेड थी, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही बोल रखा था, देख तो हमें भूल मत जाइए और मुझे स्क्रीनिंग पे जरूर बुलाइए। तो गुड ही इज़ कॉल्ड मी फॉर द स्क्रीनिंग, थैंक गॉड। हाँ मतलब यू उसको तरी यू टीचर की तरह मैं बिन मांगे मैं उसको फ्री के सजेशन दे रही होती थी। ऑफ कोर्स आई मीन ही हैज गॉट अ ब्यूटीफुल हाइट एंड आई थिंक दैट ही लुक्स his body type is such he can easily carry off that royal look, I think. So I think I'm not surprised seeing him the way he looks in the film. अच्छी बात है ना, मतलब इट्स नाइस फीलिंग यार। आई एम वेरी 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 हैप्पी विद द ऑडियंसेस रिस्पॉन्स। मतलब कॉमेडी मतलब जनता को हमारी अभी भी पसंद है, लोग अभी भी हंस रहे हैं, अभी भी नाच रहे हैं उन्हीं गानों पे जो 20 साल पहले नाच रहे थे। तो मतलब एक वैलिडेशन होती है कि आपने जो चीज़ें चूज़ करी हैं अपने करियर में वो अच्छी हैं, तो वो अभी बस उसी हैप्पी मोड में हूँ अभी तो मैं। थैंक यू थैंक यू। दिवाली मनाइए, हैप्पी दिवाली, और प्लीज़ पटाखे मत फोड़ना यार, बहुत पोल्यूशन हो रखा है हमारी कंट्री के अंदर। और हैप्पी एंड सेफ दिवाली और लक्ष्मी आएगी आपके घर, आ तो सही गाना गाओगे तो। ओके okay?